बच्चों में कायदाना सलाहियतें पैदा करने के लिए आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा में सेक्रेटरी के चुनाव मुनक्किद किए गए और इस चुनाव में रिफत जवेद पीरजादा ने जीत दर्ज की। बहुत सी वजह हैं जिनकी वजह से मैंने पार्टिसिपेट किया। आई वॉन्ट टू एंड शाइनेस विच इज़ जो हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा है, मैं वो दूर करना चाहती हूँ। मैं इस स्कूल को सच में चेंज करना चाहती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर किसी गर्ल की प्रॉब्लम है, मैं वो दूर करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैनिफेस्टो तो यही था कि मैं ज़्यादा दिन की खिदमत करूँ और इंशाल्लाह यही मेरी ख्वाहिश यही है और मैं चाहती हूँ कि सभी मेरा अपना वोट दे, अपना कीमती वोट दे और अपना सपोर्ट दे और बस फिर अल्लाह के हाथ में वो क्या करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम इस स्कूल के लिए कुछ करें ताकि हमारे स्कूल का भी नाम कहीं पे लिया जाए कि वो जीएचएसएस का मतलब जीएचएस स्कूल वो भी कुछ है। सेक्रेटरी का इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, तो 4 कैंडिडेट्स उठे थे। मैंने जिसको भी वोट किया है सोच समझ के किया और बाकी लड़कियों ने जिन्होंने भी वोट किया होगा ये सोच समझ के किया होगा कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकती है। तो मुझे हम सेक्रेटरी इसलिए चुनते हैं किसी भी स्टूडेंट को ताकि हम जो आम लड़कियों की बात है वो आगे तक वो ले जा सके। हमने सब फैसिलिटीज यहाँ पे अच्छी तरीके से रखे हैं। 4 बूथ है यहाँ हमारे, 4 बूथ ABCND। बशीर साहब हमारे इलेक्शन कमीशन है यहाँ पे, उसने बिल्कुल इंतजाम ठीक रखे हैं और फिर इलेक्शन यहाँ हो रहा है। बच्चों में हमने ये इलेक्शन इसलिए करवाया ताकि क्या लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप हो, ताकि आगे फ्यूचर में ये उतर सके। As a chief election commissioner, we had ensured foolproof arrangements for this election. And as a teacher, we believe that education is the all-round development of personality. And this was an attempt, one attempt to explore the personality of our students. And we are hopeful that this will lead to learning of our students. दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये दिखा दिया दैट यू हैव कॉन्फिडेंस एंड इन टर्न मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए दिलो जान से काम करती रहूँ। और जो इलेक्शन मैनेजिंग फैकल्टी थी मैं उनसे भी दिल से शुक्रिया मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया कि एट इंस्टीट्यूशनल लेवल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। एक्चुअली जो स्टूडेंट्स होते हैं दीज आर द फ्यूचर सिटीजंस ऑफ द लैंड और इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है इन के जहन नशीन करने के लिए, इनको इनकल्केट करने के लिए ये जो एट दिस लेवल एट दिस स्कूल लेवल इलेक्शन का जो इनका एक कंसेप्ट दिया जाता है, तो इस लिहाज से इनमें वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं इनमें परवान चढ़ते हैं और आइंदा एज फ्यूचर सिटीजन्स दे कैन फुली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड व्हाट आर द डेमोक्रेटिक राइट्स एंड हाउ टू प्रोसीड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रेट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। देयरफॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन शुड नो दैट व्हाट आर माई राइट्स एंड व्हाट आर माई ड्यूटीज़। दिस इज़ अ प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज to know these things.